हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो जस्ट मेरा दूसरा व्लॉग शुरू हो गया है शाम से। तो मैंने आपको पहले व्लॉग में बोला था कि मैं कहीं शाम को जाने वाली हूँ, तो बस अभी उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने और बच्चों के लिए निकाल रही हूँ कपड़े, शाम को क्या पहन के जाना है। और ज़्यादातर मेरा समय इसी में ही जाता है, बस यही सोचने में लग जाती हूँ कि मैं क्या पहनूँ, क्योंकि कपड़े इतने सारे हो जाते हैं और जब कहीं जाते हैं तो कपड़े बिल्कुल ही नहीं होते हैं हमारे पास। तो मेरी ये दोनों अलमारी सारे मेरे कपड़ों से ही भरी हुई है, और बच्चों की टोकरी अलग है। न्यू कपड़े बच्चों के मैंने बेड में रखे हुए हैं, तो दोनों में मेरे ही कपड़े भरे हुए हैं। और एक हिस्सा है अलमारी का जिसमें इनके कपड़े हैं। तो बस यहाँ पे मैं कपड़े निकाल दी थी भवी और पीहू के लिए। और ये देखिए, पीहू के नखरे बहुत होते हैं यहाँ पे जब हम कहीं जाते हैं, मुझे ये नहीं पहनना, मुझे वो पहनना है। और इसको ज़्यादातर भाभी के कपड़े पसंद आते हैं, तो ये भाभी के कपड़ों के लिए कह रही है कि मुझे दीदी के कपड़े पहनने हैं। तो बस अभी मैंने कपड़े निकाल लिए हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो मैंने पहले वाले ब्लॉग में बोला था आप सबसे कि मैं शाम को कहीं जाने वाली हूँ, तो बस अभी मैं हो गई हूँ अच्छे से तैयार। तो बता देती हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ अपनी मौसी सास के घर पे, उनके पोते का बर्थडे है, तो वहाँ पे वो छोटा सा फंक्शन करा रहे हैं, कीर्तन वगैरह है। तो बस हम सब तैयार हो गए हैं, भाभी भी वो भी तैयार हो गई है। खाना मैंने बना के रख दिया है क्योंकि ये आएंगे, तो मैं ही जा रही हूँ और बच्चे जा रहे हैं और नहीं जा रहा है कोई भी, मम्मी जा रही है। तो बस खाना बना लिया है, और अभी बच्चों ने नहीं खाया है क्योंकि इन्होंने पिया है अभी दूध, तो आके ही खाएंगे वहाँ से। और अभी जो टाइम हो रहा है 7:30 हो रहे हैं, और ये देखिए कितना अंधेरा हो गया है बाहर। मास्क लेना है? मास्क, हाँ मास्क ले लो। हाँ, और ये देखो पीयू भी हो गई है तैयार, मैं भी हो गई हूँ तैयार। तो अभी हम जाएंगे अपनी आंटी के घर, और ये मास्क ले ले। और बस अभी हम तीनों तैयार हो गए हैं, भाभी ने पहने ये वाले कपड़े। हाँ, मास्क की जरूरत तो है नहीं, ले लो फिर भी मास्क। तो हाँ मास्क ले लो। तो चलिए अभी चलते हैं वहाँ पे, पता नहीं देखते हैं क्या क्या वहाँ पे होने वाला है, कौन कौन आ गया है। छोटा सा फंक्शन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, शायद मेरे हिसाब से घर घर के ही होंगे, अपनी ही फैमिली होगी सारी, और वहाँ पे जाके पता चलेगा। तो अभी मैं आ गई हूँ अपनी मौसी सास के घर पे, हम थोड़ा सा लेट हो गए थे। यहाँ देखिए सभी लोग आ चुके हैं, और यहाँ पे मैंने कैमरा भवी को दे दिया है, और मैं बैठ गई हूँ आगे अपनी नंद के पास, क्योंकि गांव है तो यहाँ पे लोग बातें बनाते हैं। तो बस मैं इसी वजह से कैमरा नहीं ले पा रही थी, तो बस यहाँ पर मैंने भवी को दे दिया है। और बस अभी दर्शन कर रहे हैं सब एक दूसरे को, यहाँ पे टीका लगाया जा रहा है, कीर्तन शुरू होने वाला है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है ब्लॉग को पूरा देखना, बहुत अच्छा डांस देखने को मिलेगा, भजन सुनने के लिए मिलेंगे। और कुछ वीडियो मैं इसकी अलग से डालने वाली हूँ, क्योंकि ब्लॉग बड़ा हो जाता है फिर आप लोग भी बोर हो जाते हैं, तो बस वो कुछ वीडियो मैं अलग से डाल दूँगी। तो चलिए आप सब भी मेरे साथ कर लीजिए दर्शन और सुनिए प्यारे प्यारे भजन।
तो ये है मेरी छोटी सी सब्सक्राइबर चाही। और चाही ने आज डांस नहीं किया ना? अच्छा हाँ, जब मैं हाँ कर रही थी यूट्यूब पे। अच्छा आपको गाना आता है? नहीं आता। कोई सा तो आता होगा, कोई हम तो आती होगी। मुझे बस वो आता है। कौन सा वाला? अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो। आपको बोलो, आपको ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू। आप मेरे घर आओगे ना, है ना? वहाँ पे डांस करेंगे दोनों। मम्मी के साथ आना, आप मम्मी को बोलते जाऊंगी। ठीक है, ठीक है। अपना ले लो मोमोस। ये जो मेरी छोटी सी सब्सक्राइबर है चाही, इन्हीं की बेटी है और बहुत अच्छा डांस करती है चाही। लेकिन इस बार चाही ने डांस नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसका मुंह नहीं है, डांस कर रहा है। इसको खाना है मैंगो, है ना? मैंगो खाना है ना? हाँ, ये मैंगो ही तो है। एक गार्डन के साथ ये है मेरी छोटी ननद मोनिका। इनसे आप पहली बार मिल रहे हो। एक मिनट, आप दूसरी बार बड़े कोई ना, फिर भी आ जाएंगे। बहुत जने पाई जाओ बालक तो होगी। हाँ, तो पूनम दीदी पहली बार आ चुकी है। पहले वो तब आई थी जब मेरी देवरानी का वो आया था पीलिया, तब आई थी। और मोनिका दीदी फर्स्ट बार आ रखी है क्योंकि ये कई कई में चक्कर लगा। ये भी तो है। और ये है इनकी पहली कंगना। तो बस यहाँ पे हमारा चाय पानी चल रहा है। अब जाने की है घर पे तैयारी। कोई ना, बस अभी चलते हैं। दीदी आएगी कल घर पे, है ना? हाँ जी बिल्कुल। हाँ, तो दीदी आएगी कल घर पे, तो उनको आपको फिर मिलाऊंगी मैं अपने घर पे। तो चलिए अभी घर पे चलते हैं। तो ब्लॉग का एंड मैं यही करती हूँ। आपको अगर ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, हो सके तो आगे शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।